हमने सीखा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। गति के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा गतिज अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है जड़त्व कहलाती है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान पर निर्भर है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग की दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग में परिवर्तन करने में लगा समय यदि कम हो तो बल ज्यादा होगा। ऐसे में गतिमान वस्तु को रोकने में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। बल का SI मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लग रहा हो तो वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। मुख्य शब्द कीवर्ड्स: संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स, जड़त्व इनर्शिया, रैखिक संवेग लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।